कभी भारत में चला एक सरकारी जुमला आपको याद होगा, हर हाथ को काम हर काम का दाम। दौर आगे बढ़ा और हर खाते में 15-15 लाख का सपना बीते चुनाव से पहले दिखाया गया। फिर आम चुनाव मुहाने पर है और हर बेघर को घर का सरकारी सपना देश फिर देख रहा है। कभी की इंदिरा आवास जैसी योजनाएं अब प्रधानमंत्री आवास योजना में तब्दील हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का उत्तराखंड में क्या हाल है इन तस्वीरों में देखिए। ये है जनपद उधम सिंह नगर के मोटा हल्दू लाल कुआं इलाके की तस्वीर। जिन खेतों को आप देख रहे हैं उन्हें प्लॉट की तरह बांट कर प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को दे दिया गया है। जिन्हें जमीन मिली है उनकी तो मानो सरकारी लॉटरी लग गई है। पर इस योजना की तलक हकीकत ये है कि सरकार ने ये जमीन बांटी है, वो खुद इस जमीन की मालिक ही नहीं है और जो जमीन के मालिक हैं वो अपनी ही जमीन के लिए दर दर भटक रहे हैं मोदी के राज में। मुझे एक महीना लगभग हो गया है भटकते भटकते, 19 तारीख से मैं भटक रहा हूँ। कौन से दो बार मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल पर डाला है, वहाँ से जो मैंने ट्रैक किया तो उसमें आ रहा है कि जिला उधम सिंह नगर को आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी गई है, ये उसमें आया है। अब देखो उसमें क्या कार्रवाई होती है। मुझे पूर्व में तो कोई जानकारी नहीं दी गई थी। मुझे 19 जुलाई को पता लगा जब पटवारी मैं अपने हल्द्वानी घर पर था तो मेरे को मेरे बटाईदार का फ़ोन आता है कि आपके खेत में पटवारी नापजोक कर रहा है। तो मैं पटवारी साहब से मिला, पटवारी ने मेरे से बोला कि भाई प्रधानमंत्री आवास के तहत तुम्हारे पट्टे काटे गए हैं इसमें। तो मैंने पूछा ठीक है प्रधानमंत्री के तहत काटे गए, क्या मेरे वर्ग के लिए काटे गए हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तब से लगातार पटवारी साहब को खेत में बुलाने के लिए कह रहा हूँ, वो कभी मेरे सामने आ नहीं रहे हैं, खेत में आ नहीं रहे हैं कुछ। सुना आपने क्या है सच्चाई। ऐसा नहीं है कि भुवन पर आजाद भारत में सिर्फ नरेंद्र मोदी के राज की गाजगिरी हो। उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है और सबका साथ सबका विकास करने वाली त्रिवेंद्र सरकार के कारिंदे पीएम मोदी की हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम को सफल बनाने के लिए राजशाही की मनमानी पर उतर आए हैं। जिसकी जो मर्जी हो कर रहा है। राजाओं के जमाने में भी खाता खतौनी होती थी, वो भी अपने जमीन को ही बांटते थे। लेकिन वाह रे भाजपा सरकार, वाह रे लोकतंत्र, जहां आका की योजना सफल करने के लिए सिस्टम खुलेआम डाका डाल रहा हो, वो भी अनुसूचित गरीब की जमीन पर। सरकारी अधिकारी खुद इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। आप खुद सुनिए क्या कह रहे हैं एसडीएम नजूल। हाँ, ये अभी मेरे संज्ञान में आया है। इसमें 10 एकड़ का कोई खेत है, उसमें 8 एकड़ उन लोगों की है, 2 एकड़ सरकारी है, जो उन्होंने बताया कि उनके जो 8 एकड़ पार्ट है उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए करीब 16 पट्टे काट दिए गए हैं। तो ये है सच सबको घर देने के मोदी मिशन का, ये है सच सबका साथ सबका विकास के नारे का। जब आका ही डाका डाले तो न्याय कौन देगा, तब लोकतंत्र कैसे बचेगा? ऐसा तो राजतंत्र में भी नहीं होता था। इस तानाशाही को आप क्या नाम देंगे? उधम सिंह नगर से दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट।